स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी हिंदी की कक्षा में। चलिए आज हम अपना नया पाठ आरंभ करेंगे, अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक तरंग कक्षा एक बाय ब्रेन रूट सीरीज। और आज हम पाठ 7 का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का क्या नाम है? झूला। चलिए शुरू करते हैं। चित्र पर आधारित गतिविधि। बच्चों, उपयुक्त चित्र में बच्चे झूला झूल रहे हैं और भी अन्य गतिविधियां कर रहे हैं। चित्र में देखकर बताओ कि और कौन कौन क्या कर रहा है। बच्चे झूला झूल रहे हैं और कुछ गतिविधियां कर रहे हैं। आपको बताना है कि बच्चे क्या क्या गतिविधियां कर रहे हैं। जैसे एक बच्ची योगा कर रही है, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, झूल रहे हैं, टहल रहे हैं। तो आपको अन्य गतिविधियों के नाम दिए हुए स्थान में लिखने हैं। पाठ प्रवेश। इस कविता में बच्चे को झूला झूलने की खुशी उसकी कल्पनाओं को दर्शाया गया है। इस कविता में बच्चे को झूला झूलने की बहुत खुशी है और क्या बताया गया है, उसकी कल्पनाओं को कि वो क्या क्या सोच रहा है झूला झूलते हुए। तो चलिए पढ़ते हैं। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि माँ एक झूला लगा दे, मैं उस झूले पर झूलूंगा और इस पर चढ़कर बढ़कर कहाँ जाऊंगा, आसमान को मैं छू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। पेड़ पर क्या है, झूला डाला हुआ है। तो बच्चा कह रहा है कि डाली भी झूल रही है और पत्ता पत्ता भी झूल रहा है, इस झूले पर बड़ा मजा आ रहा है। और झूले पर बैठकर वो क्या कह रहा है, चल दिल्ली चल कलकत्ता। झूल रही नीचे की धरती, उड़ रहा गगन ये सारा, रिमझिम रिमझिम बरस रहा है मेघा का जल सारा। बच्चा कह रहा है कि नीचे धरती भी झूल रही है और गगन मतलब आसमान उड़ रहा है और रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है मेघा का जल सारा। मेघा मतलब बादलों से क्या आ रहा है, पानी आ रहा है, सारा पानी बारिश का पानी रिमझिम रिमझिम करके बरस रहा है। अब हम अध्ययन करेंगे शब्दार्थ का। डाली, डाली का अर्थ है पेड़ की टहनी, धरती पृथ्वी, मजा आनंद, मेघा बादल। अब पाठ के आधार पर हम अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न, बताओ क्या पढ़ा, क्या आपने कभी झूला झूला है? तो बताइए बच्चों, अगर आपने झूला है तो आप हाँ लिखेंगे, नहीं झूला तो नहीं। क्या आपको झूला झूलना पसंद है? मुझे तो लगता है सब बच्चों को झूला झूलना बहुत पसंद है। झूला झूलते समय आपको कैसा लगता है बताइए। झूला झूलते समय सबको बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। प्रश्न 2, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। बच्चा झूला लगाने के लिए किसे कह रहा है, चाचा, मामा, अम्मा या पापा से? तो बच्चा झूला लगाने के लिए अम्मा से कह रहा है। बच्चा क्या छूने के लिए कह रहा है, आसमान, बादल, पेड़ या सूरज? बच्चा आसमान छूने के लिए कह रहा है। बच्चा झूले से कहाँ ले जाने के लिए कह रहा है, जयपुर, आगरा, कलकत्ता या सभी जगह? बच्चा कलकत्ता जाने के लिए कह रहा है। प्रश्न 3, निम्नलिखित पंक्तियां पूरी करो। तो अब आपने पाठ पढ़ा, कविता का अध्ययन करा, अब हम पंक्तियों को पूरा करेंगे। अम्मा आज
लगा दो झूला। पूरी हो गई हमारी एक पंक्ति, अम्मा आज लगा दो झूला। डैश मैं झूलूंगा, इस पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर आगे बढ़कर। डैश छूलूंगा, क्या छूलूंगा? आसमान छूलूंगा। चलिए पढ़ते हैं। अम्मा आज लगा दो झूला, इस पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर आगे बढ़कर आसमान छूलूंगा। प्रश्न चार, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप अपनी कविता का अच्छे से अध्ययन करेंगे और प्रश्न चार आप स्वयं करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको यह कविता? आशा करती हूँ आपको यह कविता पढ़कर बहुत आनंद आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ, एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए आभार।